ठीक है बोलो ठीक है ना ठीक है जय ना तो सब लोग आशीर्वाद आएंगे एक बोले जय श्री राम जय श्री राम आधा झुको आधा झुको इसे अब मुंह नीचे झुका आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है इसमें आप झुक के प्रणाम कर रहे हैं क्या मामला है देखिए आज मऊ के घोसी लोकसभा में उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी का आगमन हुआ था और आज एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित भी किया गया था सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा लास्ट में माननीय डिप्टी सीएम साहब ने अपनी बात को रखा सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करते हुए जब सारी बातें स्पष्ट हो गई सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से कहा अब की बार 400 पार यूपी में 80 की 80 उसी में आता है घोसी घोसी चुनाव जीतने के लिए माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि ये कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और किसी भी देवता के सामने जब कोई जाता है तो झुक करके ही प्रणाम करता है और मेरी आदत में ये है जब मैं अपने भी पार्टी का कार्यक्रम करता हूं या संगठन का कार्यक्रम करता हूं तो अपने कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार से वीडियो में जो दिख रहा है मैं उसी हिसाब से प्रणाम करता हूं। क्या कहा डिप्टी सीएम साहब ने डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि ये देवतुल्य कार्यकर्ता हैं इनसे आशीर्वाद लो विजय हासिल करने के लिए और जो मैं जानता हूं यही कार्यकर्ता यही मतदाता किसी आम व्यक्ति को खास बना देते हैं और भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए भी व्यक्ति को झुकना पड़ता है हमारे लिए हमारे भगवान हमारे लिए हमारे सब कुछ हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं हमारे मतदाता हैं अगर उनके सामने एक बार नहीं हजार बार झुकना होगा तो अरविंद राजभर झुक करके ही प्रणाम करेगा क्योंकि हम लोग मोदी जी के दीवाने हैं हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं देश जो तरक्की के रास्ते पर है इससे विपक्ष जो है हतोत्साहित है वो खबरों को तोड़ मरोड़ करके पेश भी कर रहे हैं लोग कुछ लोग और इसके साथ साथ जो विपक्ष वीडियो को वायरल कर रहा है वो उसमें जिस प्रकार से कह रहा है कि अरविंद राजभर से उप मुख्यमंत्री माफी मंगवा रहे हैं ये सरासर गलत है ये गलत मानसिकता के लोग ही ऐसे दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं मैं फिर से एक बार इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक बार नहीं हजार बार झुक करके प्रणाम करना होगा अरविंद राजभर करेंगे और जीत को सुनिश्चित करेंगे